परमेश्वर हमारे जीवन को एक नवीकरण नहीं तो एक मरम्मत करना चाहती है। हमारे जीवन की कुछ आदतों को, कुछ अभिलाषाओं को, स्वयं की भावनाओं को तोड़कर परमेश्वर अपना तरीका से हमारे जीवन को परिवर्तन नहीं तो रूपांतरण करना चाहती है। निर्गमन की पुस्तक उसके पहले 5 अध्यायों के बीच में परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम मूसा था, राज पदवी में रहने वाला, राजमहल में रहने वाला मूसा का पहला 40 साल में उसका जीवन की आदतों को निकाल के अगले 40 साल वर्ष के बीच में वनांतर के बीच में अकेलापन के बीच में परमेश्वर उस जीवन को नवीकरण कर रहे हैं। उसके बाद का 40 साल के बीच में परमेश्वर उस व्यक्ति को अभिषेक के साथ अनुग्रह में एक जादी का छुटकारा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप और मेरे जीवन के बीच में परमेश्वर एक नवीकरण चाहती है। कुछ आदतें हैं जो परमेश्वर को हमारे जीवनों में पसंद नहीं है, कुछ स्वयं की भावने हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से हटाना चाहती है। क्या आप और मैं चाहती है परमेश्वर हमारे जीवन में मरम्मत करे? हम तैयार है तो परमेश्वर हमारे अंदर एक रूपांतरण करेगा। दुनिया के कोई भी दूसरे व्यक्ति हमको देखेगा नहीं है, लेकिन स्वर्ग की परमेश्वर अंदर से हमारी सुंदरता को बदल देगा। आमीन। कितना लोग उसके लिए तैयार है? आज सुबह के समय पर हम परमेश्वर को बोल, खुदा तू मुझे बदल।